चाचा और मैं हूँ सोहाना के चाचा। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ कैसी होती। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं फर्स्ट ही ब्लॉग में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती। जब वो घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो रूम लेकर रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन लोगों का स्टाइल कैसा होता है, रूम में उन लोगों का स्टाइल रहने का कैसा था, लॉज में किस तरह से रहते हैं, कहाँ पे उसका बाथरूम होता है, कहाँ पे उन लोग नहाते हैं, कहाँ पे उन लोग अपना बर्तन साफ करते, किस तरह से खाना बनाते, यानी कि मैं पूरा स्टूडेंट लाइफ की स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ की स्टोरी कैसी होती। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपना ब्लॉग्स दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस चीज़ को दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोग सुबह सुबह उठकर उस चीज़ को तो दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो लॉज है वो 2 फ्लोर का है, ठीक है। तो मैं सबसे स्टार्ट जो मैं कर रहा हूँ अपना ब्लॉग्स और नीचे से करा, तो सबसे नीचे मैं आप लोगों को पहले बाथरूम दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे जब इंसान सबसे पहले उठता है सो करता है सिर्फ पहले बाथरूम जाता है, ठीक है। तो मैं वहीं से आप लोगों को स्टार्ट करूंगा और मैं किस तरह से अपना रूम में इन करता हूं। पूरा रूम का डिटेल्स एक मैनेजमेंट किस तरह से कर रखते हैं स्टूडेंट, उस चीज़ को मैं दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से लोग अपना रूम में स्टडी करते हैं, किस तरह से कहाँ पे मैनेजमेंट करके रखते हैं, किस तरह से कहाँ क्या सामान रखते हैं, कहाँ पे खाना बनाते हैं, उस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया कि मेरा गेट हो गया, दरवाज़ा हो गया। तो दरवाजे में ही हम लोगों का जितना भी हैंगर होता है उसमें हम लोग कपड़ा रखते हैं, ठीक है। वहीं पर हम लोग अपना कपड़ा दरवाजे में ही रखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए भाई लोग, हम लोग खाना किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोग का गैस हो गया, ये हम लोग खाना बना के रेडी हैं, ठीक है। तो मैं अभी जब वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस समय हम लोग खाना बना चुके हैं। तो मेरा एक गैस है, छोटा वाला गैस है। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग गैस होता है, बड़ा वाला होता है, छोटा वाला होता है। और गैस जो होता है छोटा वाला भी 2 तरह का होता है, एक चूल्हा दिख रहा है, ये चूल्हा दिख रहा है, इसमें डबल चूल्हा वाला होता है, फिर सिंगल चूल्हा वाला होता है, एक तो और होता है जो इस पर ही रहता है, किसको गैस के ऊपर ही रहता है जो हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाला रखा हूँ क्योंकि इस तरह से हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, डर नहीं होता है ब्लास्ट होने का, ठीक है। तो मैं खाना बना चुका हूँ, मेरा 2 कुकर है, एक कढ़ाई है, और मेरा सिलेंडर हो गया, और देखिए ये हो गया, हम लोगों का बेड हो गया। तो बेड ऐसे हम लोग का रूम बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखिए बेड जो है ये बेड हो गया, हम लोग जहाँ पे सोते हैं। तो इस बेड पे अगर रूम बड़ा है, अगर यही रूम में आप 2 बेड लेना चाहते तो आपको 2 बेड मिल जाएगा, 1 बेड लेना चाहते एक भी बेड मिल जाएगा। मगर इस बेड में खासियत ये है कि ये 2 लोगों का बेड है, ठीक है। अगर आप 2 लोगों का अलग अलग बेड लेना चाहते हैं, इस रूम में हम लोग 2 आदमी रहते हैं, अगर 2 अलग अलग बेड लेना चाहते हैं तो आप लोगों को छोटा छोटा बेड देगा, ठीक है, आपको अलग अलग करके आप लोग सो सकते हैं। तो हमारा ये बेड का कंडीशन हो गया। दूसरा यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, इस गैप में हम लोग अपना स्टडी टेबल लगा सकते हैं, बड़ा वाला जो स्टडी टेबल आता है, पढ़ने वाला जो आता है, बड़ा स्टडी टेबल हो तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, मगर मेरे पास स्टडी टेबल है नहीं तो मैं उस चीज़ को नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं इधर अपना बैग रख दिया हूँ। ये हो गया हम लोगों का जो बर्तन हो गया, डिब्बा हो गया, यानी कि बाल्टी हो गया, इसको हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं। और यहीं पे हम लोग को जूता चप्पल जितना भी होता है हम लोग सब चीज़ यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और एक कोने में हम लोग अपना कचरा जमा करते हैं, जब हम लोग खाना बनाते हैं जो भी सब्जी काटते हैं, जो भी हम लोग प्याज व्याज छील कर रखते हैं उसका कचरा हम लोग यहाँ पे कोने पे जमा कर देते हैं प्लास्टिक में, इसको हम लोग को लेके फेंकने जाना पड़ता है कहीं दूर में, क्योंकि हम लोग को जगह नहीं होता है फेंकने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग शहर आए हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं होता है, यहाँ पे सामने जगह नहीं तो खाली एरिया, तो हम लोग को लेकर दूर जाना पड़ता है फेंकने के लिए। तो हम लोग पहले इकट्ठा कर लेते हैं सप्ताह भर का। तो हो गया मेरा एक कचरा हो गया, ये हो गया पानी पीने वाला हो गया, ये डब्बा है पानी पीने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग कॉपी किताब हो गया, जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं अपना सबका अपना अपना स्टडी करने का जो होता है, ये मेरा है, ये मेरा पार्टनर का है, तो मैं अपना वाला दिखा रहा हूँ, ये मेरा है, मेरा इतना ही बस है, मैं पढ़ाई करता नहीं हूँ पूरा अच्छे से। ये बाकी रूम का कंडीशन हो गया, ये रूम जो है किसी को रूम में इस तरह से नहीं मिलता है, किसी के रूम में छेजा होता है, किसी के रूम में नहीं होता है।
उसमें आप अपना अपना सामान रखते हैं, जिसको जिस तरह से रूम मिलता है, जिस हिसाब से वो रूम लेता है उसके हिसाब से होगी। स्टूडेंट नेट में बता रहा हूँ ठीक है, किस तरह से उन लोग का रूम में मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से रहते हैं। यहाँ मेरा फैन हो गया, तो फैन भी हो जाए तो कुर्ता जो है वो कहीं कहीं पे मालिक देता है, कहीं पे मालिक नहीं देता, वो आपको लगाना पड़ता, आप पे डिपेंड करता है कि रूम में भी रूम का आपका भाड़ा कितना लेता है। तो हम लोगों का जो मालिक है पंखा दे चुका है, और ये हम लोगों का छेजा हो गया, हम लोग वहाँ पे अपना अपना सामान रखें। और हम लोग जो चम्मच घर से चावल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, हम लोग रखते हैं कहाँ पे, उस चीज़ को हम लोग देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हो गया बेड, और बेड के नीचे में हम लोग सब्जी रखते हैं, देखिए आलू हो गया, प्याज हो गया, सब्जी हो गया, जितना भी चीज़ हम लोग को मैनेजमेंट करके रखना है सब चीज़ हम लोग बेड के अंदर डाल देते हैं ठीक है। ये हम लोगों का बेड के अंदर में ही रखना होता है। ये तो हम लोग को दिखा दिया कि खाना बर्तन हो गया, ये सब खाना पीना हो गया। अब बात रह गई ये स्टडी टेबल का, ये हो गया हम लोगों का छोटा सा स्टडी टेबल। इस स्टडी टेबल में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठ जाता है, पैर इसके अंदर कर देता है और यहाँ पे आराम से पढ़ता है ठीक है। तो ये हो गया स्टडी टेबल, यानी हम लोग रीडिंग टेबल भी बोल सकते हैं। ये मेरा बुक हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो मेरा ये बुक हो गया। ये हो गया पानी का बोतल, ये पानी का बोतल हो गया हम लोग साथ में ही रखते हैं। जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को जब प्यास लगता है तो उठते नहीं, हम लोग इतने आलसी होते हैं, और हम लोग बोतल के सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग जब पानी पीते हैं तो हम लोग को ब्लड में सर्कुलेशन होता है ठीक है, जिससे कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन, जिससे कि हम लोग को नींद नहीं आता है। तो ये पानी पीने के हम लोग रखते हैं। ये हमारे लोगों को बोर्ड हो गया, एक सामने ही बोर्ड दिया होता है बेड के सामने कि जिससे मोबाइल लगाकर वो अपना वीडियो देख सकता है, स्टडी वाला जो भी करे वो गया स्टडी। एक तो और बोर्ड दिया होता है वहाँ पे, हम लोग का बोर्ड सब फैन होता है ठीक है। और बाकी तो रूम का कंडीशन है, ये मेरा विंडो है, इस विंडो से हम लोग बाहर की नज़रिया को देख सकते हैं, यानी कि बाहर में तो इधर मेरा घर है, इधर तो सभी लोग हैं, फैमिली लोग हैं, तो इधर से हम लोग नज़ारा अपना देखते हैं ठीक है। मैं नज़ारा दिखा दे रहा हूँ विंडो का। बाकी तो इस रूम में और ऐसा कुछ है नहीं, बाकी इस रूम का रेंट जो है 1800 रुपये है ठीक है, कितना 1800 रुपये है। बाकी रूम का कंडीशन तो आप लोग देख ही लिए किस तरह से है, बाकी सबका अपना अपना पढ़ाई करने का रहने का तरीका होता है। मेरा तो रूम बहुत सफा दिख रहा है, बहुत ऐसा होता है कि स्टूडेंट होता है कि अपना रूम को सफा तक नहीं रखते ठीक है। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना रूम को सफा नहीं करते, यानी कि झोल झाल पूरा होता है ठीक है। मेरा वाला झोल झाल नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग सफा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतने आलसी हो जाते हैं कि अपना रूम को सफा नहीं करते, कि रूम होगा मालिक का, हम लोग को किया जाता है, अरे तुम रह रहे हो तुम्हारा ही रूम, तुम पैसा दे रहे हो, तुम अपना सफा करके रखोगे तभी ना। ये सब हो गया हम लोग का एक टॉपिक दाब हो गया ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स था और ये स्टूडेंट लाइफ का ब्लॉग्स था ठीक है, कि किस तरह से स्टूडेंट रहते हैं। यहाँ पे हम लोग यहीं पे बेड है, ये बड़े हम लोग यहीं पे बेड पर बैठते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं ठीक है। इसी तरह हम लोग इतना ही मैनेजमेंट करना होता है, हम लोग इस खाना को बना के वहाँ पे रख भी सकते हैं, मगर मैं बाहर में रखा। अपना अपना स्टाइल होता है सबका रखने का, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ठीक है। देखिए मैं एक बार पूरा बेड को दिखा देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा हम लोग का बेड होता है ठीक है। हम लोग जितना बड़ा हम लोग का घर में जो होता है चौकी होता है जो बोलते हैं, उतना ही बड़ा हम लोग का चौकी होता है। अरे हम लोगों का जो गैप जगह छोटा है, मात्र हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोटा है ठीक है। हम लोग बस एक रीडिंग टेबल लगा सकते हैं, एक जो हम लोग बेड होता है यानी डेस्कटॉप होता है जिसको हम टेबल बोलते हैं, जो हम टीवी भी देखते हैं लगा कर, उतना ही जगह छोटा है ठीक है। जितना जगह यहाँ पे छोटा है उतना ही जगह हम लोगों का यहाँ पर भी छोटा है, इतना ही जगह छोटा है, ज़्यादा जगह छोटा नहीं हुआ है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्लियर में कि हम लोग को जगह कितना छोटा हुआ है, बहुत कम ही जगह छोटा होता है ठीक है। हम लोग को इतना ही मैनेज करना होता है, हर स्टूडेंट हर लॉज का यही सिस्टम, इतना ही जगह छोटा होता है। और मैं आप लोगों को थोड़ा लाइट के बारे में दिखा देता हूँ ठीक है। देखिए ये मेरा लाइन से चलता है, तो मैं इसमें कलेक्शन नहीं लिया, यानी कि कलेक्शन है लाइन से चलता है तो मैं इसमें बल्ब नहीं लगा क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन देता ही नहीं। इन्वर्टर कनेक्शन सिर्फ एक में ही देता है, जो जल रहा है उसमें ही देता है, उसमें लेन चला जाएगा इन्वर्टर से जलेगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा, लेन आएगा तो लेन चलेगा, इन्वर्टर खत्म हो गया सब चीज़ ऑफ हो जाएगा, मगर इन्वर्टर से कनेक्शन एक ही में देते हैं। और बोर्ड में जो होता है, बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं देते, हर लोज का यही सिस्टम है। 90% लोज जो होता है उनमें इन्वर्टर का सिस्टम नहीं दिया होता है, सिर्फ एक बल्ब में दिया होता है कि जिससे कि अंधेरा रूम में ना हो। अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ़ करना, मैं जो पूरा नहीं दिखा पाया। और मैं बर्तन जो साफ़ किया हूँ उसका भी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मैं बर्तन पहले ही साफ़ कर चुका था और खाना बना चुका था, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। तो मैं वहाँ पे फोटो लगा चुका हूँ, थंबनेल लगा चुका हूँ किस तरह से मैंने वहाँ हम लोग वहाँ पे बर्तन साफा करते हैं। आप लोग फीलिंग को समझ गए होंगे।
तो बस इतना ही हम लोग का रूम का जो कंडीशन था। बाकी आप लोग अगर आओगे पढ़ने के लिए कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पे खुद अब समझ जाओगे। मैं बस इतना समझाने की कोशिश किया और मैं स्टूडेंट लाइफ का जीवन आप लोगों को बताया किस तरह से उन लोग जीते हैं, किस तरह से अपना रूम को मैनेज करके रखते हैं, मैं उतना आप लोगों को बता दिया और दिखा दिया। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ का जो होता है वो स्टूडेंट अपना लाइफ किस तरह से बिताता है, उस तरह किस तरह से पढ़ाई करता है, उस चीज़ को मैंने बता दिया वीडियो में कि स्टूडेंट एक होता है किस तरह से अपना खाना बनाता है, किस तरह से अपना लॉज में रहता है, किस तरह से कहाँ बर्तन सफा करता है, मैं सब चीज़ आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।